उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक जीत के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, साथ ही उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन कर रहे हैं। सपा ने भी प्रत्याशियों को लेकर प्लान तैयार किया है, जिससे कई नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवारों के चयन की होती है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के बीच मंथन का दौर तेज हो गया है। जहां बीजेपी जातीय समीकरण बैठा कर उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी में है, तो वही समाजवादी पार्टी की नजर समीकरणों के साथ साथ दागियों पर भी है। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी टिकट देने से पहले संबंधित उम्मीदवार के क्षेत्र की 3 चरणों में स्क्रीनिंग कर रही है। यह काम पार्टी विधायकों के क्षेत्र में भी होगा। विधानसभा क्षेत्र में निष्क्रिय रहने वाले और जिला पंचायत चुनावों में पार्टी के खिलाफ में दगाबाजी करने वालों को कीमत चुकानी होगी। ऐसे में कई विधायकों के टिकट पर संशय है। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्तमान में सपा के 49 विधायक और 48 विधान परिषद सदस्य हैं। इनमें से कई विधान परिषद सदस्य भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। विभिन्न दलों से आने वाले वरिष्ठ नेता भी टिकट चाह रहे हैं। कुछ को पार्टी हाईकमान की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। पार्टी ने जिन सीटों पर सपा के विधायक नहीं है उन पर आवेदन मांगा था, लेकिन कई सपा विधायकों के क्षेत्र से भी आवेदन आए हैं। टिकट दावेदारों की लंबी फेहरिस्त होने के बाद भी फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। हर हाल में जिताऊ उम्मीदवार ही मैदान में उतारा जाएगा। जिस पर किसी तरह का संशय होगा उसे दूसरे विकल्प दिए जाएंगे। पार्टी नेतृत्व ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र में 1 चरण का सर्वे करा चुका है। जहां विधायक नहीं है वहां अलग अलग टीमें जाकर सियासी ताप का अंदाजा लगा चुकी हैं। अब विधायकों के क्षेत्र की भी स्क्रीनिंग की जा रही है, यानी साफ है कि अब की बार समाजवादी पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।